नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना से संबंधित। तो इसके सभी पक्षों को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, आर्टिकल कैसे भी लिखे जाएं, उनमें से आपको पॉइंट पकड़ना सीखना है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि पॉइंट पकड़ना सीखिए। आपने देखा होगा कि बचपन में हमारे माँ बाप जो भी शिक्षा दिया करते थे, क्या बोलते थे कि सामने वाला बुरे रास्तों पर चल रहा है तो उस पर मत चलिए, लेकिन अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो उसे अच्छाइयों को पकड़िए, उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित कीजिए। इसी तरह हमेशा याद रखिए, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, अगर आपको क्वेश्चंस बनाना नहीं आता है, आपको पॉइंट पकड़ना नहीं आता है, तो शायद आपका पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आप पूरी साइंस की बुक पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ लीजिए, अब आपको पता ही ना हो कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आखिर, तो आप क्या उखाड़ पाएंगे। तो जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं उनमें पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नकारात्मक पॉइंट भी होते हैं। आपने देखा होगा कई आर्टिकल ऐसे भी लिखे जाते हैं जो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, कई आर्टिकल बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, कई आर्टिकल दूसरे पार्टियां के पक्ष में, यानी कि किसी भी पक्ष में रह सकते हैं। तो आप में उन आपको उसमें से आपके पॉजिटिव पॉइंट निकालना है बस, जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं वही पॉइंट पकड़ना है आपको। या नकारात्मक नकारात्मक यानी नेगेटिविटी नहीं भर देना है आंसर में, आपको एक बैलेंस बनाकर लिखना है। तो यही आर्टिकलों का हल रहता है। तो चलिए हम देखते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना को लागू करने के लिए सलाहकारी फार्मों के प्रस्तावों को आमंत्रित किया है, ताकि एक दीर्घकालिक वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का रोड मैप समावेशी तरीके से तैयार किया जा सके। ऐसी सीमा पारीय ऊर्जा परियोजनाओं को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर शुरू कर भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की मंशा रखता है। दुनिया भर में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2018 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की दूसरी वैश्विक री इन्वेस्टमेंट बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहले सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए किया था। अब बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG परियोजना के बारे में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड अक्षय ऊर्जा संसाधनों को आपस में जोड़ने के लिए वैश्विक परिस्थिति तंत्र के निर्माण भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है। OSOWOG का ब्लूप्रिंट विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। इसके पहले चरण में मध्य पूर्व, फिर दूसरे में मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को परस्पर जोड़ा जाएगा, दूसरे चरण में अफ्रीका को जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में पूरी परियोजना का वैश्वीकरण होगा इसमें। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड परियोजना का महत्व क्या है आखिर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड परियोजना भारत की एक महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका उद्देश्य सामान्य संसाधनों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के लाभों को साझा करने के लिए एक वैश्विक सहयोग बनाना है। इसे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल प्रत्युत्तर में भारत का प्रयास भी कहा जा सकता है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देश के रूप में भारत ने 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का विचार प्रस्तुत किया था। ISA यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य सभी को 24 घंटे सातों दिनों सस्ती कीमत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। आप सभी जानते हैं कि कोयला जी खनिज तेल जो भी होते हैं एक सीमित समय के लिए रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आप सोचिए कि सौर यानी कि सूर्य से बिजली उत्पन्न कर दी जाए, हवा से बिजली उत्पन्न की जाए,
आप समझिए पानी से बिजली उत्पन्न की जाए तो ये संसाधन तब तक चलेंगे जब तक धरती रहेगी आपकी, कभी खत्म होने वाले ना होने वाले ये संसाधन है। कोयला आपका कुछ समय के बाद खत्म हो सकता है, समझ रहे हैं, इसी तरह उपयोग होता रहा तो। इसीलिए इन पर नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। लगभग 120 देशों के प्रमुखों ने आईएसओ में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। ऐसे में ओडब्ल्यूओजी निवेश और सहयोग को बढ़ावा देगा। सभी के लिए 24 घंटा सातों दिनों बिजली समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार का लक्ष्य सभी को 24 घंटा सातों दिनों बिजली प्रदान करना है। ओएसओडब्ल्यूओजी सीमा और सामरिक क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी हिमालय राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, भारत सरकार ने 2020-2022 के आखिर तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन को गति देने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देना भारत की तार्किक सोच को दर्शाता है। भारत लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना सम्मेलन में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन के अनुसार 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा क्षमता अर्जित करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ओएसओडब्ल्यूओजी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, याद रखिए एक बात हमेशा इसमें, आप जितने भी सतत विकास लक्ष्य 17 इन्हें आप लोग रख लीजिए, क्योंकि ये कई बार आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार आपके आंसर राइटिंग में भी यूज हो जाते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछते रहते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2016 में 781 मिलियन से अधिक लोगों, दुनिया की 39% आबादी तक खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है। एसडीजी के लक्ष्य 7 के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी लोगों के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने में ओएसओडब्ल्यूओजी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ऊर्जा पहुंच का विस्तार करने के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में वृद्धि की किया जाना अति महत्वपूर्ण है। पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूती प्रदान करना, नेपाल और भूटान जैसे स्थलबद्ध पड़ोसी जल विद्युत संसाधनों में समृद्ध हैं। ओएसओडब्ल्यूओजी उन्हें अपनी विशेष अधिशेष बिजली की कमी वाले राष्ट्रों को निर्धारित करने के लिए अपेक्षित मंच प्रदान करेगा। भारत सरकार नेपाल के सहयोग से अरुण थ्री जल विद्युत संयंत्र और भूटान के सहयोग से मंग देचू जल विद्युत परियोजना जैसे निर्यात उन्मुख जल विद्युत परियोजनाएं विकसित कर रही है। बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण की प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत का उद्देश्य सौर ऊर्जा संपन्न देशों और सौर ऊर्जा दुर्लभ राष्ट्रों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देकर दुनिया में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करना है। फिर आपका वन क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन को भी मजबूती प्रदान करेगा। चीन की आर्थिक मुखरता का मुकाबला करने के लिए ओएसओडब्ल्यूओजी को चीन की बेल्ट एंड रोड BRI को भारत के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। इसे BRI का मुख्य रूप से 78 भागीदार देशों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाकर उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार करने की चीन की एक आर्थिक कूटनीति है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 122 देश शामिल है। अभी इसका मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम में, कहा आपके हरियाणा के गुरुग्राम में। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर टेक्नोलॉजी का प्रबंध कराना, 22 क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार परिवहन और विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को
कम ऊर्जा का कम उपयोग एक स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को अंधकारमय कर सकता है। ऐसे में भविष्य की रणनीति को तय करना बहुत जरूरी हो गया है। OSOWOG को बढ़ावा देने वाली पहले सोलर मिनी ग्रिड कार्यक्रम वैश्विक सलाहकार कंपनी डेलॉयट के समर्थन में ISA सचिवालय मिनी ग्रिड कार्यक्रम के ठोस कार्यान्वयन योजना विकसित कर रहा है। ISA सचिवालय ने राष्ट्रीय फोकल बिंदु के लिए एक मॉडल मिनी ग्रिड नीति का मसौदा भी तैयार किया है। वर्ल्ड सोलर बैंक भारत द्वारा OSOWOG को धरातल पर उतारने हेतु आने वाली वित्तीय चुनौतियों के मद्देनजर इस परियोजना के लिए समुचित मात्रा में वित्त आपूर्ति हेतु वर्ल्ड सोलर बैंक की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। स्केलिंग सोलर रूफटॉप ISA सचिवालय पेरू और घना के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि रोप स्टॉप परियोजनाओं की तैयारी के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। ISA सचिवालय ने भारत में रिस्को मॉडल के तहत रोप टॉप सोल पैनल के लिए दूतावासों और मिशनों को प्रस्ताव भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का विस्तार। पहले जहां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दायरा केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक था, अब इसे बढ़ाकर विश्व के सभी देशों के लिए कर दिया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना से जुड़े मुद्दे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। भू राजनीति, यह परियोजना विश्व का नेतृत्व करने के भारतीय प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी परियोजनाओं के भू राजनीतिक निहितार्थ को समझना मुश्किल है। परियोजना के भागीदार देशों की सामरिक आर्थिक प्राथमिकताओं को देखते हुए एक निश्चित लागत साझाकरण तंत्र विकसित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा कोई भी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दा महाद्वीपों और देशों के बीच महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संभव है कि कई देश इसमें भाग लेने के लिए तैयार ही ना हो। वैश्वीकरण बनाम बी वैश्वीकरण, कोरोना वायरस महामारी ने वैश्वीकरण की अवधारणा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसका प्रभाव परिवर्तनकारी होगी। संरक्षणवाद, व्यापारियों और बहुपक्षीय समझौते का द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों में बदलाव की सेव में OSOWOG का विचार बहुत ही धूमिल नजर आ रहा है। विभिन्न सरकारों और बाजार की शक्तियों से निपटना अक्षय ऊर्जा उत्पादक के लिए एक कठिन अनुभव होगा। भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के लिए प्रमुख मुद्दा विभिन्न राज्य सरकारों अर्थात विभिन्न कानूनों और नियमों से निपटना होता है। आर्थिक लाभ, इस एकीकृत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बिजली के प्रसारण के हजारों किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में अकेले विद्युत ट्रांसमिशन लागत भूमि और सौर विकिरण के लाभों पर भारी पड़ सकती है। तकनीक, इसके कार्यान्वयन में तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए सौर पैनलों के निर्माण के बजाय सौर नीति का उद्देश्य और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर अधिक रहा है, जिसके कारण भारत में सौर पैनल निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। वित्त, इस परियोजना के कार्यालय में सबसे बड़ी चुनौती वित्त को लेकर है, क्योंकि अफ्रीका एवं एशिया इत्यादि के कई सारे देशों के पास सौर ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वित्त का अभाव यानी कि पैसा का अभाव है। जब तक एक विशेषकृत एजेंसी द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, यह योजना फलीभूत यानी सफल नहीं हो पाएगा। पर्यावरणीय मुद्दे, एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म बी टू इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्ययन के अनुसार फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की मात्रा 2030 तक 2 लाख टन और 2050 तक 18 लाख टन बढ़ने का अनुमान है। सॉरी अपशिष्ट के से पर्यावरण चुनौतियों के कारण इसका पुनर्चक्रण एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? विश्व बैंक की समीक्षा से पता चलता है कि इस तरह की क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों के आर्थिक लाभों को सही मायने में अधिकतम किया जाता है जब उनका निर्माण सामान्य उद्देश्य वाले राजनीतिक संघ के अंतर्गत किया जाता है, जैसे यूरोपीय संघ या फिर स्कैंडिनेवियाई देश।
भारत को चीन के साथ सहयोग करना चाहिए क्योंकि उसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज नेटवर्क निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। चीन ने पहले ही ग्लोबल एनर्जी इंटर कनेक्शन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक ग्लोबल ट्रांसमिशन ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, जो दुनिया भर में ऊर्जा के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आपका तो ये कहानी थी आपकी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है।